हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल द वेसर कंसल्टेंट्स। तो दोस्तों, आज के हमारे इस व्लॉग का टॉपिक होने जा रहा है, व्हाई आर इंडियन स्टूडेंट्स प्रेफरिंग अल्बर्टा नाउडेज ओवर एनी अदर प्रोविंस। और जब मैं बात करता हूँ कि इंडियन स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग द प्रोविंस ऑफ अल्बर्टा ओवर एनी अदर प्रोविंस, तो इसका एक सबूत ये है कि एज अ वीज़ा कंसल्टेंट जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं टू गेट देयर स्टडी वीज़ा, they are always preferring Alberta। जो उनके एक majority of students, they are always looking for institutes in Alberta जहाँ पर उनको सीट मिल सके। और जब हम उनको एक लिस्ट ऑफर करते हैं कि आपको इन प्रोविंस में से आपको कौन से प्रोविंस को आप चूज़ करना चाहोगे, majority of them are willing to go in Alberta। और ये जो प्रेफरेंसेस में चेंजेस आए हैं ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, लाइक व्हाट वी यूज्ड टू विटनेस अ फ्यू इयर्स अगो, दैट इंडियन स्टूडेंट्स यूज्ड टू प्रेफर द प्रोविंस ऑफ ओंटारियो ओवर एनी अदर प्रोविंस, पर आज के टाइम पे इंडियन स्टूडेंट्स डोंट वांट टू गो टू ओंटारियो बट दे वांट टू गो टू अल्बर्टा। तो इसके पीछे कुछ बेसिक से रीजंस हैं दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन फ्यू मिनट्स दैट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर दैट व्हाई इंडियन स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग अल्बर्टा। और जो हमारा सबसे पहला रीजन है दैट अट्रैक्ट्स अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स टुवर्ड्स अल्बर्टा इज इजी पीआर। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अल्बर्टा में आपको पीआर बहुत जल्दी और आपको इजीली मिल जाएगी एज कम्पेयर टू एनी अदर प्रोविंस, बिकॉज उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हैं। द वेरी फर्स्ट रीजन इज कि वो एक डेवलपिंग एरिया है। जो अल्बर्टा है वो अभी भी फुली डेवलप्ड प्रोविंस नहीं है, इट इज स्टिल एन अंडर डेवलपिंग प्रोविंस। और उसी के मुताबिक जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि यहाँ पे बच्चे आएँ, यहाँ पे आके इसको इस्टेब्लिश करें, इसको डेवलप करें। और अगर उनको बच्चों को अट्रैक्ट करना है देन दे नीड टू गिव देम पीआर, क्योंकि उनको भी पता है कि अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कैनेडा जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीआर। तो इसलिए वहाँ पे पीआर आपको ईजिली मिल जाएगी एज कम्पेयर टू एनी अदर प्रोविंस। एंड द सेकेंड रीजन इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया दैट द गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा has recognized the issue of developing the province if they want the province to cope up with each and every province of the country। तो इसी के कारण वो वहाँ पे नए businesses establish कर रहे हैं, they are encouraging private businesses to come up and to establish themselves। और इसी के दौरान वहाँ पे vacancies हर दिन increase हो रही है। और जो हम witness कर सकते हैं कि पहले years में ऐसा नहीं था, पर अब उस province को develop करने के लिए वहाँ पे रोज नई नई vacancies आ रही हैं। और वैकेंसी आने का मतलब ये है कि वहाँ पे जॉब्स और ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं। सो आने वाले कुछ सालों में वहाँ पे जॉब्स और ज़्यादा इंक्रीज होंगी और बच्चों को यही बात अट्रैक्ट करती है कि वहाँ पे जाके उनको एक जॉब इजीली और उनको एक सिक्योर सी जॉब मिल जाएगी विच विल टर्न आउट टू बी बेनिफिशियल फॉर देम। और जो हमारा थर्ड रीज़न है दैट इज़ अल्बर्टा हैज़ अ वेरी लो पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू एनी अदर प्रोविंस। और इसका एक फ़ायदा ये है इंडियन स्टूडेंट्स को कि वहाँ पे उनको जॉब के लिए ज़्यादा कम्पीट नहीं करना पड़ेगा, दे कैन ईजिली ऑब्टेन अ जॉब एंड दे कैन वर्क एज पर द वे दे वॉन्ट टू वर्क। तो पॉपुलेशन कम होने के कारण दे वॉन्ट बी कम्पीटिंग फॉर जॉब्स एंड देयर वॉन्ट बी एनी मेजर इशू फॉर देम। और जो हमारा फोर्थ एंड लास्ट रीज़न है दैट, और ये मेरे ख्याल से फ्रॉम माई पर्सनल ओपिनियन इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स जो बच्चों को हर एक किस्म से वहाँ पे अट्रैक्ट करता है, और वो ये है कि वहाँ पे जो घर के प्राइसेस हैं दैट इज़ द हाउस प्राइसेस इन अल्बर्टा आर वे मोर चीपर देन एनी अदर प्रोविंस। अब जैसे कि हर एक बच्चे का एम होता है दैट ही और शी विल गेट पीआर और उसके बाद वो अपना एक ड्रीम हाउस बाय करेंगे, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये एक डेवलपिंग प्रोविंस है और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इतना हाई रेट नहीं कर सकती ऑफ अ न्यू बिल्ट हाउस। तो वहाँ के जो हाउस की कॉस्ट है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू एनी अदर हाउस इन एनी अदर प्रोविंस। और इसका बेनिफिट ये है कि रियल इस्टेट की जो वैल्यू है वो हर डे बाय डे इंक्रीज करती है, तो वहाँ पे आपको जो हाउस की कॉस्ट पड़ेगी वो आपको बहुत कम पड़ेगी। और ये मेरे ख्याल से एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि जब आप वहाँ पे एक हाउस आप परचेज करते हो उसके ऊपर डाउन पेमेंट भी देनी होती है, तो जितनी वैल्यू कम होगी हाउस की उतनी ही कम आपको वहाँ पे डाउन पेमेंट उनको प्रोवाइड करनी होगी। तो आई थिंक दैट दिस इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर्स दैट इज अट्रैक्टिंग इंडियन स्टूडेंट्स टूवर्ड्स अल्बर्टा, क्योंकि एट दी एंड एम तो वहाँ पे जाके पीआर होने का ही है ऑफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, एंड दे आर स्मार्ट इनफ टू प्लान इन एडवांस दैट व्हाट दे विल बी डूइंग इन फ्यूचर।
और वो बच्चे जो अल्बर्टा जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दोज हु आर प्लानिंग टू गो टू अल्बर्टा, फॉर देयर इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल कि जो जो बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ की सीट्स बहुत जल्दी फिल हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सीट्स नहीं है, बट एज मैंशन अर्लियर, स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग द प्रोविंस ऑफ अल्बर्टा, तो वहाँ की सीट्स बहुत जल्दी फुल हो रही है फॉर अपकमिंग इनटेक्स एज वेल। तो अगर आप में से किसी को भी एक अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत है, सो ट्राई कॉन्टैक्टिंग अस, ट्राई विजिटिंग आर एनी ऑफ आर ब्रांचेस, ताकि हम आपको वहाँ पे एक सीट अवेलेबल कर सकें और हम आपको वहाँ के किसी भी इंस्टीट्यूशन का ऑफर लेटर प्रोवाइड करके दे सकें। सो गाइस, दीज आर द मेजर फैक्टर्स दैट आर अट्रैक्टिंग अ मेजोरिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स टूवर्ड्स अल्बर्टा, एंड येस, दैट इज इट फॉर टूडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, देन डू लाइक इट एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड इफ यू आर न्यू टू आर चैनल, देन डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।